सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं जर्मनी के जिम, तो चलिए मेरे साथ। अब हम लेट हो रहे हैं, टाइम कुछ हो रहा है, यहाँ पे 10:30, 10:32 की बस है, तो बस 2 मिनट बच रहे हैं, अब फटाफट भागते हैं। भाई अभी हो रही है रात, और दिन में मैं वीडियो नहीं बना पाया, टाइम नहीं मिला। पहले क्लासेस थी, फिर काम वाम के चक्कर में पड़ गए। तो यार मैं बस ये कह रहा था कि अगर क्वालिटी इतनी अच्छी ना आए वीडियो की तो कोई नहीं, अभी लाइट थोड़ी ऐसी है। तो बस अभी जिम जा रहे हैं, और बस पकड़नी है अब, क्योंकि पैदल जाने का मन नहीं है। रात को 15 मिनट चलने का। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसा जिम है, क्या क्या मशीनें हैं यहाँ पे, और क्या क्या मंथली प्राइस है, और कैसी मेंबरशिप है, और क्या क्या होता है जिम में, सब कुछ दिखाऊंगा। तो बस देखते रहिए वीडियो। तो वही उधर था अपना घर, इस वाली बिल्डिंग में। ये सामने बस स्टॉप है, टाइम पे आ गए हैं। बस अब बस आने वाली है, फटाफट बस पकड़ते हैं। तो भाई मैं बस स्टॉप पर पहुँच चुका हूँ, और बस 3 मिनट लेट है। अच्छा हुआ लेट हो गई, वरना मैं लेट हो जाता। तो जिम बेसिकली यार यहाँ पे 24x7x365 खुला होता है। तो भाई यहाँ पे जो सारी बसेस होती हैं वो होती हैं मर्सिडीज़ की, और काफ़ी कंफर्टेबल बसेस होती हैं, काफ़ी अच्छी बसेस होती हैं, और हम स्टूडेंट्स हैं तो सारी बसेस फ्री हैं, तो काफ़ी सही है बस सर्विस वगैरह। और भाई बस है पूरी खाली, मतलब मैं तो कई बार सोचता हूँ मैं उतर जाऊँगा तो बस वाला चला के करेगा क्या। सामने मैकडी है, पीछे अपना जिम है। तो भाई हम वहाँ बस स्टॉप से आए, यहाँ से चल चल के, और ये मैकडी है, मैकडी, और ये मैक कैफ़े है, और इसके पीछे अपना जिम है। मतलब स्टार्टिंग में पहले आओ, बर्गर खा के पेट बढ़ाओ, फिर पीछे जिम जाके पेट कम करो। तो भाई ये हम आ गए अपने जिम पे, मैक फिट, और ये सारा जिम है, ये इधर से लेकर वहाँ तक, इसके उस तरफ भी है, और 2 फ्लोर का जिम है। और अभी जब कोरोना थोड़ा ज़्यादा था तो उन्होंने ये बाहर मशीन्स लगा रखी थी, ये सारी मशीनें लगी हुई हैं। अब तो बंद कर दिया ये एरिया, क्योंकि अंदर का खुल गया है और मशीन्स भी कम कर दिए हैं, बट पहले ये चल रहा था और अब इंडोर भी खोल दिया है। से मेन एंट्रेंस है, ये सामने रिसेप्शन है, और उस तरफ का एरिया अलग है, इस तरफ ये थोड़ा बैठने का एरिया है, सोफे वगैरह लगे हुए हैं, और इस तरफ कुछ मशीन्स हैं, आगे कार्डियो सेक्शन है, और ऊपर मेन वेट ट्रेनिंग का सेक्शन है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले इधर चलते हैं देखने। इधर ये बेसिक से लॉकर्स लगे हुए हैं, ये कुछ टेबल है अपना बैग वगैरह खोल के अपनी चीज़ें निकालने के लिए, और ये 2 काइनेसिस वाली मशीन्स हैं मल्टीपल एक्सरसाइजेस के लिए, ये लिखा हुआ है काइनेसिस। और इधर ये काफ़ी सारी मशीन्स लगी हुई हैं, मतलब अलग अलग तरीके की मशीन्स हैं, मतलब बहुत सारी मशीन्स हैं यहाँ पे। इधर यहाँ पे स्लिंग जोन है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कुछ मैट्स लगे हुए हैं यूज़ करने के लिए, और ये कुछ लटकने के लिए पता नहीं क्यों है, और यहीं कुछ मशीन्स हैं, और ये वॉशरूम है, यहाँ लिखा है ये मेल्स के लिए है। तो ये अभी बंद किया हुआ है इन्होंने, ये लॉकर रूम है, और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है, ये अभी कोविड की वजह से बंद है, और ये वॉशरूम है बेसिक सा। फिर यहाँ से उतर जाएं तो ये फीमेल्स का वॉशरूम है दामन, और ये कुछ मशीन लगी हुई हैं। तो ये हो गया एंट्री से लेफ्ट पार्ट का, अब राइट साइड चलते हैं। और ये कुछ मशीन्स हैं, ये
प्रोटीन शेक्स और ड्रिंक्स, स्पोर्ट ड्रिंक्स और प्रोटीन क्रिएटिन वगैरह के लिए। यहाँ से बस कार्ड डालो अपना और पैसे डालो और यहाँ से बस निकाल लो अपने आप, यहाँ पे बॉटल आ जाती है, यहाँ पे कार्ड लगाओ पैसे कट जाते हैं। इधर जाएं तो यहाँ पे कुछ ये सारी आर्म्स की मशीन्स हैं और ये दोनों पावर प्लेट्स हैं, पता नहीं किस लिए होती हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं करी हैं। और इधर सारी मशीन्स हैं, ये रिकनस्ट्रासर है और इस तरफ ये कुछ लेग्स वाली मशीन्स हैं और ये कोर वर्कआउट की सारी एक्सरसाइजेस के लिए मशीन्स हैं। ये बैक की हो गई और ये जो सारी हैं और ये सारी मशीन्स हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा जिम है यार, मतलब हर टाइप की मशीन्स हैं यहाँ पे। और ये जो दिख रही हैं तीन, ये कुछ मशीन्स जो बाहर लगी हुई हैं तो उसके लिए लगा रखी हैं टेप्स ताकि दूर से दिख जाए। ये पावर यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर वेट ट्रेनिंग वाले फ्लोर के लिए। तो इधर अभी दिखाता हूँ, पहले कार्डियो वाला सेक्शन आगे का दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ से सीधा सीधा जाएँ तो ये स्ट्रेचिंग एरिया है, ये सारा स्ट्रेचिंग एरिया है। लोग वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि कोई इंजरी ना हो। वो आगे कार्डियो की मशीन्स हैं। ये है भाई साइबरोबिक्स का रूम। ये सामने ये स्क्रीन लगी हुई है, इसमें कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करो। जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, ओके। और ये अंदर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, अंदर एक रूम है। ये भाई रूम, ये बिल्कुल थिएटर से कम नहीं है। ये साइकिल्स लगी हुई हैं, ये बेसिक इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे सारे, हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। ये प्लेट्स हैं और ये कुछ रैक्स हैं, ये सारी साइकिल्स। वो सामने प्रोग्राम स्टार्ट हो गया अपना जो हमने लगाया था। बस प्रोग्राम लगाओ, अंदर आओ और इसके हिसाब से अपना एक्सरसाइज कर लो। तो इसको बंद कर देते हैं अब। ये सारी यहाँ पे ट्रेडमिल्स लगी हुई हैं आगे तक हैं, ये सारी यहाँ पे ट्रेडमिल्स लगी हुई हैं और ये सारी क्रॉसफिट्स वाली मशीन्स हैं। इधर स्टेयर मास्टर लगी हुई हैं, आगे अलग मशीन्स हैं। ये सारा कार्डियो का जोन है ये। ये है भाई एक्सप्रेस वाला रूम, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे भाई कुछ मशीन्स लगी हुई हैं एक्सप्रेस वर्कआउट वाली, 15 मिनट्स वर्कआउट्स के लिए। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, बस 15 मिनट में वर्कआउट करके चले जाते हैं, उनके लिए ये। तो भाई अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा साइकिलें पड़ी हैं भाई साहब, कितनी मशीनें हैं। तो भाई यहाँ से एंटर करते ही ये सामने कुछ मशीन्स हैं और लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। ये सामने बॉक्सिंग वाला एरिया है, उधर सारा हार्ड वेट ट्रेनिंग का एरिया है और इधर थोड़ा आर्म्स का है। ये आगे तक है, पीछे तक ये सारे डंबल लगे हुए हैं, ये वहाँ से लेकर वहाँ तक डंबल रैक है इनका। ये बेसिक सी बड़ी वाली मशीन जो हर जिम में होती है, 1 2 3 4 चार मशीन है भाई। अब उस साइड देखते हैं क्या है। तो इस साइड जाते जाते ये कुछ बेंच प्रेस हैं, फ्लैट बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, फ्लैट इंक्लाइन, और ये वही बेसिक स्क्वाट्स के लिए और मल्टीपल एक्सरसाइज के लिए मशीन्स हैं। ये चेस्ट प्रेस मशीन वाली, ये भी चेस्ट प्रेस, ये कोई बंदा कर रहा है यहाँ पे, ये शायद एब्स के लिए, पता नहीं। ये दो लेग प्रेस हैं, ये स्क्वाट्स के लिए, स्क्वाट्स के लिए और वो उस तरफ का पार्ट। तो भाई यहाँ पे ये सीन होता है कि ये इसके अंदर से टिश्यू पेपर सॉर्ट ऑफ समथिंग निकल आता है और ये सैनिटाइज़र है। तो आप जो भी मशीन यूज़ करो, चाहे कोविड हो चाहे ना हो, यहाँ आओ, ये पेपर निकालो और सैनिटाइज़र निकालो, सैनिटाइज़र स्प्रे करो और उसको साफ़ करो और फिर डस्टबिन में फेंक के फिर जाओ। तो भाई यही कुछ अपना जिम था, मतलब इंडिया से तो बहुत ही बड़ा है, मतलब इंडिया के नॉर्मल एवरेज 20 जिम आ जाएंगे ऐसे जिम में, इतना बड़ा जिम है। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस के यार यहाँ पे अलग अलग प्लान होते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट ऑफर पे ऑफर चलता रहता है, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 5 यूरो पर मंथ और उसके बाद से 7th मंथ से 20 यूरो पर मंथ। बट उसमें ये होता है 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, तो वो आपके ऊपर है कैसा आपको ठीक लगे।
बाकी नॉर्मल बेसिक प्लान में 20 यूरो पर मंथ मिल जाता है, और उसमें आप मंथली कैंसिल कर सकते हो, तो 20 यूरो कुछ बनते हैं 1700-1800 रुपये पर मंथ। और भाई ये यूरोप का बेस्ट जिम है, और पैसे यार ये अपनी हेल्थ पे ही लग रहे हैं। अभी लॉकडाउन में यार ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते घर बैठे बैठे इतनी बोरियत हो जाती है, तो थोड़ी आउटिंग ज़रूर होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जिम। और यार रही बात कोविड की, तो कोविड का यहाँ पे ये सीन है कि जिम में एंटर करने के लिए 24 आवर्स के अंदर अंदर का कोविड टेस्ट चाहिए। इतने भी लोग यहाँ पे अंदर हैं, सब ने कोविड टेस्ट कराया है, सारे कोविड नेगेटिव हैं, तो अंदर कुछ कोविड का डर ही नहीं है। तो भाई इस हिसाब से हफ्ते में 3 बार कोविड टेस्ट करवा के बंदा 6 बार जिम आ सकता है, और यहाँ पे कोविड टेस्ट तो फ्री है ही। तो जैसे आज मैंने यहाँ पे 6 बजे कोविड टेस्ट करवाया है और मैं 11 बजे जिम आया हूँ, तो कल मैं बस शाम को 6 बजे से पहले पहले यहाँ जिम आ जाऊँगा। तो भाई अभी ये जिम्स खुले हैं कोविड के बाद, और अभी एक ऑफ़र चल रहा था कि जो फर्स्ट 999 मेंबर्स जिम ज्वाइन करेंगे उनको एक स्टार्टर किट मिलेगी। तो मेरे को स्टार्टर किट मिली है, मैं दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है। तो स्टार्टर किट में एक बैग है मैकफिट का, काफ़ी सही सा बैग है। एक बॉटल है मेटल की, मैकफिट लिखा हुआ है इस पर, और एक ये हैंड टॉवल दिए इन्होंने, इस पर भी मैकफिट लिखा हुआ है। तो भाई बस यही कुछ अपनी वीडियो थी, अभी बस मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ। तो अब मैं ट्रैम से जा रहा हूँ, अपना वर्कआउट वगैरह हो चुका है, 12:30 हो रही है, 12:35 की ट्रैम है। तो कुछ इसी तरह था अपना जिम, काफ़ी बड़ा जिम है, अभी तो आधी मशीनें बाहर पड़ी हैं, उसके बाद इतना बड़ा जिम है, काफ़ी अच्छा जिम है। ज़रूर आप जर्मनी आओ तो ये यहाँ का ट्रायल ज़रूर लेना। इस जिम की बहुत बड़ी चेन है, तो पूरे यूरोप में बहुत सारे मैकफिट हैं, अगर आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे ट्रेन कर सकते हो, ये इसका ये फ़ायदा है। फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो बेल आइकन दबा देना। ये दिखा रहा भाई 2 मिनट में ट्रैम आ रही है, तो बस ट्रैम का वेट कर रहे हैं अभी। ऑल्सो आई नो यार वीडियो कुछ खास नहीं बनी, मतलब पिछली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था क्योंकि उस वीडियो पे मैंने टाइम भी काफ़ी दिया था, काफ़ी मेहनत करी थी उस वीडियो पे, ये तो बस ऐसी शूट कर दी। तो बस भाई मेरे को यार एक्चुअली जिम दिखाने थे जर्मनी के, और यूट्यूब पे कोई अच्छी वीडियो नहीं थी जिसमें अच्छे से दिखा रखा हो, तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी, और काफ़ी जल्दी में वीडियो बनाई है ये, टाइम नहीं मिला था इसलिए बना नहीं पाया, रियली वेरी सॉरी।